चप्पू थूकना नहीं है बाबू, वो भगवान जी है, वो पॉटी नहीं है बाबू। हे गाइस, हैप्पी भाई दूज एंड चित्रगुप्त पूजा सभी लोगों को। और जो लोग नहीं जानते चित्रगुप्त पूजा क्या होती है, आई विल टेल यू। हम कायस्थ लोग हैं और हम कायस्थ लोगों में ये हमारी सबसे बड़ी पूजा होती है। तो आज भाई दूज के साथ ही ये भी पूजा होती है हमारे यहाँ पर। तो आज का व्लॉग इज गोना बी ऑल अबाउट यही सब चीज़ों के बारे में। एंड अभी सुबह सुबह ही हम लोग उठे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस उठी हूँ। और क्या, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। तो पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ, बस बात लिया है मैंने, थोड़ा सा ही लिया क्योंकि ठंड है। और अभी पूजा स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी, बट उससे पहले हमें एक रस्म करनी होती है। आई डोंट नो किस चीज़ का कांटा है, किस रेंगनी का कांटा है, और जो हम लोग भाई दूज करते हैं इसे गोधन पूजा भी कहते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि अपने भाई के दुश्मनों को लाइक गाली वाली देनी होती है, लाइक आई डोंट नो क्या करना होता है। इस कांटे को यूज़ करके हम लोग वो काम करते हैं और देन ये कांटा पूजा में जाएगा। तो अभी पहले मैं वही करूँगी, उसके बाद रेडी होंगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और वो कांटा वाला प्रोसेस करने के बाद अगेन आई एम बैक इन किचन। और मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा के दिन क्या क्या स्पेशल खाने बनते हैं, मतलब क्या क्या रसम है, और वो हर साल बनता ही बनता है। सबसे पहले तो ये जो किचन में मेस फैला है इसको इग्नोर करो। यहाँ पर हमने बनाया है पिट्ठे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये है चिड़िया कलम दवा। चिड़िया का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई दूज में चिड़िया की मुंडी को तोड़कर हमें उसे पैर के नीचे रखना होता है और उसे खा जाना होता है, ताकि भाई हमारा अच्छे से रहे हमेशा के लिए। कलम और दवात इसीलिए क्योंकि हम हैं कायस्थ, एंड कायस्थ लोगों में कलम एंड दवात लाइक इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम लोग कॉपी किताब की पूजा करते हैं। एंड यहाँ है मिक्स सब्जी जो कि मैं नहीं खोल सकती, ये लॉक है। यहाँ पर है सैलेड के लिए प्याज वगैरह जो कि भी और कटने हैं। यहाँ पर है ये खीर, और ये खीर पानी में बनती है, दूध में नहीं बनती। पानी, गुड़ एंड खीर की चावल। ये है दाल भरी पूरियाँ, और वो जो थी ना यहाँ पर थी, ये सिंपल पूरियाँ हैं। तो यहाँ दो टाइप की पूरियाँ भी बनती हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ हमारी पूजा की थाल एंड गोबर, गोबर से वी मेड आर भगवान। अभी और भी लोग आएंगे, अभी सारे लोग आए नहीं है। चप्पू जा, तू भी बना, जा तू भी बना। क्या बोला? नहीं, क्या है वो, क्या है चप्पू? पॉटी है? किसका पॉटी? बाप रे, सच में बड़ी करिया हो गई बा ना। अब तो गोर हो गई बा, और करिया रहा। अरे बाप, चप्पू तो वो सब काला बोल रहे। चप्पू ना, मने ये सब के अपेक्षा वो ढेर करिया। चप्पू बुआ काला बोल दी। चप्पू थूकना नहीं है बाबू, वो भगवान जी है, वो पॉटी नहीं है बाबू। तो अभी ना एक बहुत भयानक चीज हुई। हुआ क्या ना कि बाहर मम्मी और चाची गोबर से कुछ डिजाइन बनता है, लाइक भगवान की मूर्ति नहीं होती है। मेरे को इस पूजा के बारे में बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में नहीं पता, वो तो आप वीडियो में देख लोगे। तो वो डिजाइन बना रही थी और गोबर में इतना सारा पिल्लू था, मे बी वो गोबर पुराना गोबर होगा लाइक 4-5 दिन पहले का, और उसमें बहुत सारा पिल्लू था। और मम्मी और चाची का लाइक गूज़बम्प्स सबके खड़े हो गए। अभी भाई गया है ताज़ी गोबर लाने के लिए। अब देखो ताज़ी गोबर मिलता है कि नहीं। आज के दिन ना गोबर की भी इतनी डिमांड है कि मैं क्या बताऊँ। लाइक आप समझ सकते हो गोबर की भी कितनी डिमांड है।
6 hours later. Still waiting. उधर बीमार औरत पड़ी हुई है, पूजा मेरे को अकेली करनी है. और यहाँ ना ऐसा क्या होता है ना कि आज के दिन हमारे यहाँ दो पूजा हो जाती है, एक चित्रगुप्त पूजा, एक गोधन पूजा जिसको हम लोग भाई दूज पूजा भी बोलते हैं. और इस कारण से हमें डबल भूखा रहना पड़ जाता है, लाइक थोड़ा लेट हो जाता है. जो लोग आधे दिन तक भूखा रहते हैं, जो केवल चित्र सॉरी गोधन पूजा करता है, हम तो चित्रगुप्त पूजा भी करते हैं, उसके लिए भी हमें थोड़ा देर वेट करना होता है यार. और पता है क्या होता है, ये जो नवंबर का मंथ है ना, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले दशहरा 9 दिन का, और हमारे यहाँ दशहरा लाइक पूरे नियम से होता है, तो वो 9 दिन का दशहरा, बट फिर भी उसके बाद 20 दिन का चलो टाइम तो मिलता है फिर से वापस से फॉर्म में आने के लिए. बट उसके बाद जो होती है ना दिवाली, छोटी दिवाली, उसके बाद आज चित्रगुप्त पूजा प्लस गोधन पूजा, इसके बाद अभी छठ की तैयारी हो जाएगी. भाई अब तो सजने का भी मन नहीं करता है, कितना ही सजेंगे, लाइक कितना सजेंगे. पहली दिवाली थी तो बड़ा लिपस्टिक बिंदी एंड ऑल, आज तो लाइक क्रीम लगाने में भी मौत आ रही है. और सबसे बड़ी बात कि सारे जो पूजा पाठ होते हैं ना ठंड में आ जाते हैं यार, और ठंड में लाइक नहाना पड़ता है. जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तो फिर भी देखो, बाय द वे मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि टाइम पास कर रही हूँ आप लोगों का, आप लोग क्या करोगे. मैं बताती हूँ, बचपन में तो हम नहीं भी नहाते थे, केवल मुंह हाथ धो लो चल जाता था काम वाम. बट अभी तो नहाना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि काम करने होते हैं. और सबसे खराब जब दिल रोता है, लाइक लिटरली रोता है, वो होती है सुबह की छठ पूजा. और वो सुबह की छठ पूजा आपको 4 बजे उठ के नहाना होता है. ओहो, मेरे तो सोच के रूह कांप जा रहे हैं. आने वाला है वो टाइम भी, आने वाला है, उसका व्लॉग भी मैं शेयर करूंगी. देखो लेकिन छठ पूजा होगा नहीं होगा मेरे को थोड़ा डाउट है, अभी भी डाउट है. घर में भी बहुत कशमकश चल रहा है, दादी बूढ़ी हो चुकी है, मतलब दादी मेरी करती है छठ पूजा, बट अभी थोड़ी बूढ़ी हो गई है और मम्मी हेल्प करने के लिए है नहीं, और फिर चाची अकेले कितना ही करेंगी. तो आई डोंट नो, जैसा होगा आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल, बट देखते हैं मे भी बन जाए. चलो अब जब बनता है ना तभी हम लोग वहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि मैं भी भूखी हूँ, मैं कितना बोलूँ कितना बोलूँ, एनर्जी हो है नहीं, जितना इनपुट जा नहीं रहा उतना आउटपुट निकल जा रहा है. Stumbling home, we don't know where we're going. Chala le ya heriya, ye chotiya bani de. Chappu, hey Chappua, gana gao, taali bajao. और अब इस ईंटे को हम लोग दुश्मन एज अ दुश्मन समझ के कि चलो हम लोग के भाई लोग के दुश्मन है करके इसको खूब कूटते, खूब मारते, बहुत ज़्यादा सारा गुस्सा जो होता है ना वो इस पर निकलता है. अभी आप लोग देखिएगा कितना इंटेंस के साथ अभी सारी सारी लेडीज़ में इतना मतलब कौन सा घुस जाता है नहीं पता, इतना भयंकर कूटती है ना बाप रे. अभी इस ईंटे को देख लो, उसके बाद इसके बाद का लुक देखना, आपको खुद दया नहीं हो जाएगा, आ जाएगा ना तो फिर बोलना. आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही है बट फिर भी मैनेज करना. अब इंतज़ाम हो रहा है डंडे का, 5 डंडा इधर, हाँ 5 डंडा लगता है. ये लड़का बाहर से नज़ारा ले रहा है. बेचारा ईटा, अब इस ईटा का देखना क्या हालत होता है. अभी इसका एक एक पाउडर निकलेगा, ये एक भी वो नहीं रहेगा, सब अपना एक एक डंडा पकड़ ली कि आज तो छोड़ना नहीं है. मेरी भी साइड हो गई है, बाप उठा गए. और दीदी चना चुन रही है, और ये चना भाई खाएगा गोबर का, वैसे धोते नहीं है इसको, वो इसको पोछ देते हैं थोड़ा बस, लेकिन खाना पड़ेगा उसको. दे
अभी ये वाली पूजा तो खत्म हो गई, अब हम जा रहे हमारा चित्रगुप्त पूजा करने। शायद सेटअप रेडी है या नहीं, सेटअप मतलब भगवान जी रेडी है या नहीं मेरे को नहीं पता। हाँ रेडी है बेट। पर मैं चित्रगुप्त पूजा करने के लिए आई हूँ, और बताइए मैं कॉपी किताब नहीं लाई थी, मतलब मेरे से ज्यादा बुद्धिमान इंसान कौन होगा। आप आइएगा, आप आइएगा, आइए चलिए। Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. हमारी पूजा खत्म हो गई और ये लड़की अभी तक नहाई भी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं नहाई? हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको सर्दी खांसी, फिर इसकी ये फिर से इसको हो गया, ये वाली इसकी दोस्त फिर से आ गई। बेचारी को ना बहुत एलर्जी है ठंड से, ठंड होता नहीं है कि ये अपना रोना गाना लेकर चल। चलो बे, तो अभी ये सब हो गया, अब हम लोग जा रहे थोड़ा सा पानी वानी पीने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले ये चिड़िया, इसको हम लोग क्या करते, इसकी जो मुंडी है ना मुंडी, तो पहले चिड़िया का डिज़ाइन देख लो, मेरी मम्मी की कलाकारी। इसकी जो मुंडी है इसे तोड़ो, हल्का सा तोड़ के इसे पैर के नीचे बस हमें दाब देना है और कुछ नहीं करना, और इसको खा लेना है। और इसका क्या वो होगा, ये क्यों किया जाता है? हमारे भाई का दुश्मन है जिसकी मुंडी हमने तोड़ डाली, उसको खा लिया। मतलब आज उसका भाई का जो भी दुश्मन होगा वो लोग संभल जाओ ये सब वीडियो देख के, डोंट यू डेयर। और खा भी लेंगे, खून भी चबा जाएंगे। तुम तो खा ली, निकल लेगी और कल सुबह निकल भी जाएगा। खाने के बाद अब हमारे चित्रगुप्त पूजा का प्रसाद, जिसको कि हम लोग उसको खाने के बाद, मतलब पहले हम लोग उसे खाकर मुंह उठा करते हैं, देन ये। तो देखा जाए तो आज का तो जितना भी प्रोग्राम होना था हो ही चुका, बस हमारा खाना पीना बचा हुआ, और खाना मैं अभी खा नहीं रही क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं बहुत देर तक भूखी रह जाती हूँ ना, तो मुझसे तुरंत से एकदम से नहीं खाया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मेरे को नहीं पता, मे भी सोएंगे। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, वरना अननेसेसरीली लंबा करके क्या ही फ़ायदा होगा। तो व्लॉग चाय बैठा दो, देखो इसको चाय भी पीना है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना कुछ कुछ काम वाम करेंगे, और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय।